हेलो दोस्तों, कोविड-19 महामारी के बीच में अब जीका वायरस भी अपनी जगह बना रहा है। केरला में 14 केसेस आने के बाद जीका वायरस एक चर्चा का विषय बन चुका है। जीका वायरस एक आरएनए वायरस है जो फैलता है इन्फेक्टेड एडिस मस्कीटो के काटने से। एडिस मस्कीटो चिकनगुनिया, येलो फीवर और डेंगू जैसे बीमारियों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। जीका वायरस सबसे पहले 1947 में युगांडा में पाया गया था और इंडिया में पहला केस 2017 को देखा गया। वायरल डिजीज होने के कारण इसके सिम्टम्स काफी हद तक कोविड-19 और बाकी वायरल डिजीज से मिलते जुलते हैं, जैसे फीवर, बॉडी पेन, रेडनेस इन आईज या फिर डायरिया। मस्कीटो बाइट के अलावा जीका वायरस और दो तीन मीडियम से फैल सकता है, जैसे इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू फीटस और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद पार्टनर। WHO के अनुसार अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन बना है। इन्फेक्टेड पर्सन को उनके सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन और प्रॉपर रेस्ट की सलाह दी जाती है और कुछ दिनों में वो अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जीका वायरस की फेटेलिटी रेट 8% है, जिससे ये डिजीज काफी ज्यादा डेडली बन जाता है और इस डिजीज का सबसे ज्यादा खतरा प्रेग्नेंट वुमेन और उनके बच्चों पर है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के कारण प्रिवेंशन ही एकमात्र उपाय रह जाता है, जैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना, अपने आसपास सफाई रखना, मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज करना और बाहर जाते समय लॉन्ग स्लीव्स वाले कपड़े पहनना।